भैया आ गए होली का बहुत ही यम्मी रसीले मज़ेदार रेसिपी, थोड़े से मैदे से ढेर सारा मालपुआ की रेसिपी। सिर्फ दो चीज़ों से इतनी ढेर सारी मालपुआ हमने बनाकर रेडी किए हैं। हैप्पी होली फ्रेंड्स, बहुत ही लजीज हमारी रस भरी मालपुआ है, चाशनी वाली। कहीं से भी इसे आराम से तोड़ सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिक तरीका मालपुआ की रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी होली इन एडवांस। आप सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के अवसर पे हम बना रहे हैं चाशनी वाली तेलपुआ। तेलपुआ बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध को गैस पे जलाकर एक पाव कर दिए हैं। बिल्कुल गाढ़ा सा दूध है हमारा, चलाते हुए इसे अच्छे से काम कर लिए हैं। पानी थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा केसर के धागे डालेंगे, अच्छे से इसे मिला लेंगे ताकि अच्छे से ये कलर छोड़ दे। साइड कर देंगे इसे। दूध में हम एक कटोरी मैदा ऐड करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उसे डाल लीजिए। काजू और सूखा नारियल डाल लिए हैं हम, सॉरी काजू नहीं, किशमिश, मिस्टेक हो गया है। दो टेबल स्पून शक्कर डालेंगे, बस इतना है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। और लाडली हमारी हेल्प कर रही है। अरिजीत सिंह भी आ गए हैं हेल्प करने के लिए। बेटा आप रुक जाओ, आप रुको। मैं भी रुकी। डो हमारी थोड़ी ज़्यादा पतली लग रही है, तो हम एक चौथाई कटोरी और मैदा डालेंगे। चुटकी से, बिल्कुल एक चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसे भी। आटा हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। आटा हमारा ठीक है, अच्छी कंसिस्टेंसी में है। तो अब बारी है केसर के पानी का। केसर के पानी हमने इतने डाल लिए हैं और आधा इसमें डाल लेंगे। हमारी चाशनी है चीनी का, कल हमने चंद्रकला बनाए थे। चाशनी जो बची थी उसे फेंकेंगे, वेस्ट करेंगे नहीं। अपने हिसाब से थोड़े से और चीनी डाल लेंगे। गैस पे चढ़ाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी घुलने लगी है, जमा हुआ था। लो फ्लेम पे इसे दो तीन मिनट तक कुक कर लेते हैं। ऑलरेडी चाशनी बना हुआ है, अभी जो डाले हैं उसे मेल्ट होने देते हैं। तब तक हम इसे मिला लेंगे। भगवान को चढ़ाना है, भोग लगाना है, तो नमक स्किप कर दीजिए, नहीं तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। चाशनी हमारी रेडी है, गैस बंद कर लेंगे। गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। मालपुआ को तलने के लिए घी ऐड करेंगे कढ़ाई में, या तो रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। देखिए डो हमारा कितना परफेक्ट बन चुका है, बिल्कुल इसमें खमीर आने लगा है, खमीर आ चुका है। इस तरह से लाइनिंग गिर रहा है, परफेक्ट रेडी है बनाने के लिए। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इस तरह से कच्चे से डो ऐड करेंगे। अभी से पलट लेंगे। एक मिनट में ही सीख गया है, ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो जल जाएगा जल्दी ही। इसे इस तरह से अलट पलट कर सेकेंगे। अच्छे से फूली फूली हमारी मालपुआ बनकर रेडी होगा। इसमें दो बार डो डाले हैं इसलिए फूल नहीं पा रहा है, लेकिन यह फूल रहा है। इसका कलर ब्राउन हो गया है तो निकाल लेंगे, सेक चुका है अच्छे से। तेल से निकालेंगे, गर्मा गर्म चाशनी में डुबो देंगे। दूसरी मालपुआ डाल रहे हैं। इस तरह से पलट लेंगे। उधर जब तक पक रहा है तब तक इसे चाशनी वाले को निकाल लेते हैं।
अच्छी तरह से तेल पी चुका है ये सॉरी चाशनी, थोड़ी देर छोड़ देने से अच्छे से चाशनी पी लेता है। तब तक इसे देखते हैं, ये हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे। अब हम छोटी करछी ले लिए हैं, छोटी करछी से एक बार में दो तीन डालेंगे। इस तरह से मालपुआ आपका कैसा बनता है मैदा को मिक्स करने के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप मैदा को मिक्स करेंगे उतना अच्छा मालपुआ बनेगा आपका। इन सभी को भी पलट लेंगे। इस तरह से तेल उछाल उछाल कर अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए मालपुआ हमारा ऊपर उठना शुरू हो गया है, खेलने लगा है, गुब्बारे की तरह फूल चुका है। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छी कलर आ गया है और खिल भी गया है तो निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर मालपुआ रेडी है। पहले से डले हुए हैं उनको निकाल लेंगे और ये डाल देंगे। ये देखिए कितने गुब्बारे गुब्बारे जैसे बन रहे हैं हमारे मालपुए। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थोड़े से किनारे करके तेल निकाल लेते हैं, इसे भी चाशनी में डुबो देंगे। ये लीजिए डेढ़ कटोरी मैदा से हमने कितने सारे मालपुआ बनाकर रेडी कर लिए। थोड़ा सही से गार्निश कर लेंगे बादाम से और पिस्ता की कतरन से। इस तरह से थोड़े से ड्राई नारियल है इसे भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स होली एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी मालपुआ कैसी बनी है, एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी लजीज और रसीली है हमारी मालपुआ, कहीं से भी टूट सकता है ना, बहुत यम्मी और परफेक्ट। चाशनी वाली मालपुआ कितने सारे लोग बनाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होली एंजॉय कीजिए, हैप्पी होली फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।